हेलो दोस्तों, मेरे गोरखपुरी रसोई में आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए विंटर सीजन के अकॉर्डिंग मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी और साथ में मटर का छोला। ठंडियों के मौसम में इसे खाना सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले खस्ता कचौड़ी बनाया है और फिर बाद में मटर का छोला। मटर का छोला के साथ कॉम्बिनेशन में खाया जाता है ये खस्ता कचौड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खस्ता कचौड़ी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मूंग की दाल जो 250 ग्राम है और मैंने इसे 2 घंटे भिगो लिया था और पानी से बाहर निकाल लिया है। साथ में लिया है मैंने बेसन 2 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। कुछ मसाले मैंने यहाँ पे ड्राई लिए हैं जिससे हम लोग फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया 1 चम्मच लिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया है हल्का सा। मोटी सौंफ ली है मैंने 1 चम्मच जिसे क्रश किया है। आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच है, जीरा 1/2 चम्मच है, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच है, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच है और गरम मसाला भी 1/2 चम्मच लिया है। और फ्लेवर के लिए लिया है मैंने कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैं यहाँ पे डो रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 300 ग्राम मैदा और स्वाद के अनुसार हम लोग यहाँ पे नमक ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं बहुत ही हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके स्टफिंग में भी नमक रहेगा। और यहाँ पे हम लोग मोयन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 100 ग्राम मोयन मैंने डाला है 1/2 कटोरी और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे वनस्पति घी यूज़ किया है मोयन के लिए, इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है कचौड़ी। तो थोड़ा मोयन अभी और ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे मैदा जो है वो जुड़ नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे मोयन और डाला है और इस तरह से मैंने चेक किया है तो ये अब परफेक्ट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पानी मिक्स की करेंगे इसमें और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो ये देखिए डो यहाँ पे रेडी हो गया है और इसे हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मूंग दाल हम लोग हल्का सा ब्लेंड करेंगे मिक्सी में डालकर जार में। तो यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि हम लोग को ये थोड़ा ड्राई रखना है। तो देखिए बहुत ही हल्का सा मैंने इसे ब्लेंड किया है और जिसमें थोड़ी साबुत दाल दिख रही है इस तरह से हमको लेना है। फिर एक गरम पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है और जीरे का तड़का दिया है 1 चम्मच। फिर एक एक करके हम लोग सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे और लो फ्लेम रखना है ताकि ये मसाले ना जलें। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, क्रश की हुई धनिया और सौंफ, आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी, ये सभी हम लोग ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी हींग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम ना रहे, उससे ये मसाले तुरंत जल जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि ये दाल का जो मॉइस्चर होता है ये तुरंत सोख लेता है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने नमक हल्दी स्वाद के अनुसार यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाले ना जलें, इसका अपना फ्लेवर बना रहे। अब ये परफेक्ट टाइम है दाल को ऐड करने का। तो मैंने यहाँ पे जो दाल ब्लेंड किया था वो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करना है और बहुत ही लो फ्लेम पे इसे हल्का सा भूनना है ताकि दाल का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और ये देखिए हम लोग की स्टफिंग अब रेडी है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रा सा भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम लोगों को ये काफ़ी दिन चलाना है और जिससे ये काफ़ी दिन कचौड़ी चल जाएगी, कोई भी मॉइस्चर वाला चीज़ नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने डो लिया है, स्टफिंग लिया और थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसे मैं अपने हाथों में लगाऊंगी और फिर कचौड़ी बनाना है। तो एक थोड़ा सा लोई मैंने लिया है जितना हम लोग रोटी के लिए लेते हैं और अपने हाथ पे इस तरह से ऑयल लगा लिया है।
अभी इस तरह से इसे फ्लैट करना है और बीच में स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग आप लोई के अकॉर्डिंग ही रखिए, अगर ज़्यादा स्टफिंग रहेगा तो ये फट जाएगा ऑयल में जाने के बाद। तो इसे इस तरह से अच्छे से पैक करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट कचौड़ी जो हम लोगों का बन के रेडी है। अभी से हम लोग ऑयल में फ्राई करेंगे। तो एक और मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रही हूँ इस तरह से। अब ये ऑयल एकदम गर्म हो गया, तो थोड़ा सा आटा मैं यहाँ पे डाल के देख रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ऑयल गर्म है। अब ये अब हम लोग इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे 4 खस्ता कचौड़ी मैंने डाल दी है और इसे लो फ्लेम पे हम लोगों को लाल करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और खूब कुरकुरा बने। तो ये देखिए ये कचौड़ी खूब अच्छे से फूली भी है और ठंडे होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से खस्ता और क्रंची बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये कैसे चेक करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए बहुत ही अच्छी कचौड़ी यहाँ पे हम लोगों की रेडी हुई और स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अब हम लोग बनाएंगे मटर का छोला जो बहुत ही फटाफट और इंस्टेंट बनता है। यहाँ पे मैंने कच्चा मटर रात भर भिगो दिया था। इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। और फिर इसे मैंने कुकर में थोड़ा सा सोडा डाल के और नमक डाल के इसे प्रेशर लगा दिया है और ये इस तरह से पक गया है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़े खड़े खड़े चने भी दिखने चाहिए। अब थोड़े से ऑयल में यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का दिया है 1 चम्मच। जब ये थोड़ा लाल हो जाए तो हरी मिर्च डालेंगे, फिर बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को हम लोग हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का सा गोल्डन फ्राई हो गया है ये। फिर डालेंगे हम लोग बारीक कटा हुआ टमाटर, जिसे मैंने 1 टमाटर लिया है। ये भी पक गया है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे 1-1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और काश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी और नमक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब ये सभी मसाला हम लोग भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जब ये थोड़ा सा जलने लगे। तो हरी धनिया भी ऐड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मैं मटर डाल दे रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी हम लोगों को और डालना है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन सके। अब यहाँ पे हम लोग हरी धनिया से गार्निश करेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए मटर में। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब ये मटर का छोला एकदम रेडी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टेंट रेसिपी खस्ता कचौड़ी जो बहुत ही टेस्टी और यमी है बनकर तैयार है। इसी तरह से मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।